देखिए, आज जो मुझे पहले तो मैं अपनी पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ, पार्टी के स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मंडी का प्रभारी बनाया है। एंड मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी गंभीरता से, पूरी मेहनत के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे और निर्णायक तरीके से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक हमने हमारी सरकार पिछले 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कार्यरत है और विपरीत परिस्थितियों में हमने जो है वो कार्य प्रदेश के अंदर किया है, क्योंकि सरकार के शुरुआती दौर में ही आपदा का एक बहुत बड़ा संकट प्रदेश में आया और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर प्रदेश में कहीं हुआ तो मंडी संसदीय क्षेत्र में हुआ, जिसमें कुल्लू मनाली से लेकर रामपुर से लेकर आपके मंडी जिला के, चाहे वो सिराज का इलाका है, चाहे वो बल का इलाका है, चाहे वो सरकाघाट का इलाका है, वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड नुकसान हुआ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी मेरी ड्यूटी मंडी के अंदर लगाई थी। मैंने मंडी का दौरा हर विधानसभा क्षेत्र का किया। उस समय की जो हमारी सांसद है, अभी वर्तमान सांसद भी है पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी एक विस्तृत दौरा कुल्लू मनाली का, मंडी का किया और कई जगहों पे हमने रिकॉर्ड समय में जो पुलों के निर्माण थे उनको हमने पूरा किया। चाहे हमारे पतलीकुल में हमने ब्रिज बनवाया, वो रिकॉर्ड 7 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ। वैसे ही बंजार में हमने 4 वैली ब्रिजेस जो है वो सेंज घाटी के अंदर लगाए, वो भी रिकॉर्ड जो है 15-20 दिन के अंदर बनकर तैयार हुए। हमने जहाँ पर भी बजट की आवश्यकता थी, क्योंकि वो सेब सीज़न था, जहाँ जहाँ पर भी सड़कें खोलनी थी खास करके बागवानों के लिए, सेब उत्पादकों के लिए, उसके लिए करोड़ों रुपए हर डिवीज़न में मुख्यमंत्री जी ने दिए, सरकार ने दिए। हमने रिकॉर्ड समय में, एक समय में जहाँ पर 4,500 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी, उनको रिकॉर्ड समय के अंदर खोला ताकि हमारे बागवानों को, किसानों को कोई नुकसान ना हो। तो ये सब कार्य हमने विपरीत परिस्थितियों में किए हैं और इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। लोग इस चीज़ को जानते भी है, पहचानते भी है, भली भांति इन चीज़ों को देखते भी है, मगर फिर भी इन चीज़ों को लोगों के बीच लेकर जाया जाएगा। और ये सवाल जो वहाँ से मंडी की प्रत्याशी हैं मिस कंगना रनौत जी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनसे भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि वो मंडी की बेटी हैं। एक अभिनेता के रूप में हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने तो पहले भी कहा, हम उनको अपनी बहन का दर्जा देते हैं और अगर कोई भी उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उनका विरोध करेंगे, मगर जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये सवाल निश्चित तौर से उनसे पूछा जाएगा कि वो अगर अपने को मंडी की बेटी कहती हैं तो जब दशक की, इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल को और ख़ास करके मंडी और कुल्लू में आई, उनका तो अपना घर है मनाली के अंदर, मंडी के अंदर भामला में उनका घर है, तो तब भी वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ क्यों नहीं दिखी, क्यों उनके लोगों के साथ उनका समर्थन नहीं रहा, ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो भाजपा की प्रत्याशी से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता पूछे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।